बहुत ठंडा लग रहा है ये। ये पसीना नहीं है, इसको मान लीजिए कि ठंडा लग रहा है। उसी ही जैसे भारत में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है, मान लीजिए महाराज धत्तेरी की। अरे जैसे कनकन में भगवान है, उसी कनकन में ऑक्सीजन भी तो है। ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दाएं बाएं हर जगह जो है सब तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है महाराज। ले न लीजिए जितना लेना है उतना है। ये सब जो बोल रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण देश में जो है लोग मरा है, बेवकूफ़ है सब। अब इसको कौन समझाने जाए। oh, no. अरे पिछला बार जो कोरोना आया था सेकेंड वेव, इस समय जो है गलती से एक बार घर से बाहर निकल गए, ज़बरदस्ती सरकार का लोग घेर लिया, हमको बोला कि नीतीश चचा आ मंगल पांडे ताऊ जो है दाढ़ी वाले ज़बरदस्ती सिलेंडर जो है हर व्यक्ति को देने को कहे हैं, देने लगा हमको। हम बोले भैया हमको इसका ज़रूरत नहीं है। बोला आपको ज़बरदस्ती लिए जाना पड़ेगा। oh, no. अरे और तो और कुछ अस्पताल वाला सब एकदम डायरेक्ट बोर्ड लगाए हुए था कि हमारे पास एडमिट होइएगा तो हम ज़बरदस्ती आपको ऑक्सीजन देंगे। अरे और तो और कुछ अस्पताल वाला तो महाराज मरीज के साथ साथ उनके साथ रहने वाले परिजनों को भी ऑक्सीजन दे रहा था। बोल रहा था कि सरकार हमको जो है ऑक्सीजन का भरपूर सप्लाई दिया है सबको देने के लिए। अब तैयो ही कुछ लोग जो है बेवकूफ़ प्राणी सब था, वो कहा हम अस्पताल का ऑक्सीजन नहीं लेंगे। फिर रात दिन एक करके लंबी लंबी लाइनें लग के धक्का खा खा के अपना निजी जो है सिलेंडर का इंतजाम किया, तब जाके अपना इलाज करवाया। oh, no. अब कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि कोरोना काल में ऑक्सीजन से मौत हुआ है, एकदम गलत कह रहे हैं, कोई मौत नहीं हुआ है। मान रहे हैं, देखे होंगे, कुछ लोगों को जानते भी होंगे जिनकी मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई होगी, लेकिन इसका कहीं लिखित कोई नहीं ना है सबूत जी है। अब हमें मालूम है कि धूप की जवानी बिलबिला रही है, बदन पे पसीना जो है पिलपिला रहा है, लेकिन हम कैसे मान लें कि सुबह हो गई। काहे से कि मुर्गा तो बांग दिया ही नहीं है, हा? अभी कुछ दिन और रुकिए, पता चलेगा कि कोरोना से कोई मरा ही नहीं है। काहे कि आज तक किसी को पता ही नहीं चला है कि ससुरा कोरोना पैदा कहाँ हुआ है, इसके माँ बाप कौन है। अब जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है उसका अस्तित्व तो भला कैसे हम स्वीकार कर लेंगे। oh, no. विकसित देश के हम लोग नागरिक हैं, समझदार नागरिक हैं। सरकारें तो जनता से चीख चीख के कह रही है महाराज कि ऑक्सीजन ले जाओ, भर भर के ले जाओ, लेकिन भैया मामला ऐसा है कि जनता अब जो है आत्मनिर्भर हो चुकी है ताऊ जी के कहने पर। अब जनता कह रही है कि हम ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदेंगे, वो भी असली दाम से कई गुना ज़्यादा दाम पर खरीदेंगे। अच्छा हाँ, अब इसको जो है आप ब्लैक नहीं समझ लीजिएगा, रंग भेद बहुत ख़राब चीज़ है। बाकी जितनी लिखी है चलेगी उतनी ही, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब जो है मोह माया है, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है अपने देश को बदनाम करने के लिए, सब विरोधी देश मिला हुआ। oh, no. अच्छा हुआ इन मौके पर सरकार का सहारा मिल गया, वरना बैठे बिठाए ऑक्सीजन का कॉन्फिडेंस लेवल जो है यहाँ से यहाँ आ जाता और देश की भी बदनामी हो रही थी। अरे हम तो कहेंगे महाराज कि जो कहता है ना कि ऑक्सीजन की कमी थी देश में, वो देशद्रोही है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। देश को वो बदनाम करने के लिए जो है गलत बयानबाजी कर रहा है। और अपना बिहार में अगर कोई सोच भी दिया कि बिहार में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था खराब था, ऑक्सीजन की कमी थी, उसको जेल में डाल देना चाहिए। अरे अपने ही बांसुरी वाला मंगल आई चचा भरपूर व्यवस्था किए थे, हर घर तक जो है अस्पताल पहुंचा दिए थे, किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं अस्पताल में एडमिट ही नहीं होगा। देखिए ये सब बात जो है ना मान लीजिए, आ नहीं तो दो चार महीना में सरकार जो है ना कहेगा कि देश में कोरोना आया ही नहीं था, अब बिहार में कोरोना तो कहीं दूर दूर तक कोरोना का नाम ही नहीं कोई सुना है। ये चलते सारा बात जो है मान लीजिए। अब बाकी अब हम इजाज़त चाहेंगे, कैसा लगा आपको ये व्यंग बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए। साथ में जो है ये चुटकी वाले नितेंद्र वर्मा जी हैं जो चुटकी एपिसोड को लिखते हैं, उनका नया नवेला पॉडकास्ट लॉन्च हुआ है, मिस्टर झक्की लाल। जी हाँ, मिस्टर झक्की लाल जो कर देते हैं सबको लाल, इनकी बातों का अंदाज है निराला, सुनते रहिए हाथों में लेके चाय का प्याला। जाइए और इनके जो है डिस्क्रिप्शन में जो है इनका लिंक दिया हुआ है, जाके इनके पॉडकास्ट को सुनिए, इनको सपोर्ट कीजिए। अब बाकी अब हम चाहेंगे इजाज़त आप लोगों से, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाकी धन्यवाद।